हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है अभी और दिन है आज फ्राइडे। आज हम जा रहे हैं घर। हाँ, क्या हुआ? शिवा ने छिपकली का मर्डर कर दिया। इसको पता नहीं क्या है, कुछ भी दिखे इसको कीट वगैरह जमाता ही है। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब पहले वाले ब्लॉग में हमने देखा कुछ वॉमिट जैसे कोई आते तो इसने कुछ भी नहीं। इसकी तबीयत खराब है पर हम हॉस्पिटल नहीं, हम घर जा रहे हैं। चलो 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 जल्दी चलो चलो, बस छूट जाएगी इससे पहले कि बस छूटे, हमें जल्दी जल्दी निकलना, जल्दी चलो। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से सुबह से अभी पानी पिलाया, क्योंकि इसको जो स्कूल को दी थी ना बॉटल वो भी इसकी खाली थी, तो अभी जाके इसको पानी पिलाया तब थोड़ा बेटर फील कर रहा है। तो वो दिन की कुछ छुट्टी है सैटरडे और संडे की। हाँ, थोड़ी सी उल्टी नहीं की, कहाँ की आपने, मैंने कोशिश की इसको उल्टी करवाने की लेकिन इसने की नहीं। चलो चलो शाबाश। फाइनली देखिए अभी हम पहुंच गए हैं घर में, नए घर में। वाह, कौन लग रहा है वहां पे? जैकला, जैकी बिल्कुल नहीं भौंकता है लड़का। जैकी अब क्या हुआ? सिवा डर गया, क्या हो रहा है? I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. तबीयत नहीं ठीक दादी श्री। तबीयत नहीं ठीक। हाँ ब्लॉग है, मैं लगभग 4-5 दिन के बाद शूट कर रही हूँ। जो ब्लॉग मैंने शुरू किया था यहाँ से जब गई थी, तो मैं वापस से सुंदरनगर पहुँच गई हूँ देखिए घर पे, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे आपने अभी देखा शिवा बीमार हो गया था और यहाँ से मैं लेके गई थी, यहाँ से मैं चली गई थी घर। फ्राइडे को हम घर गए थे, आज पता कौन सा डे, आज वेंसडे है। उससे पहले मैंने पिछले कल एक ब्लॉग बना दिया है, बड़ी हिम्मत करके एक ब्लॉग शूट किया था कल तो। और ये वाला ब्लॉग मैंने ख़त्म नहीं किया था क्योंकि इसके लिए मुझे जगह चाहिए थी प्रॉपर। कल मैंने शिवा को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि वो कल मैं उसको मंडी लेके गई थी हॉस्पिटल। तो चलिए आपको समझ नहीं आएगा ऐसे ये बात क्या कर रही है, तो पूरा बता देती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं आ गई थी मंडे को, मंडे सुबह को आई थी, फिर मंडे सुबह को स्कूल में भेजा था बच्चों को। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे फ्राइडे को मैं यहाँ से गई ना, थोड़ा सा तो आपने देख लिया ब्लॉग पहले, तो उसके बाद घर में जाके यहाँ से तो शिवा को मैंने कहा पानी का गिलास पिलाया और हाजमोला खिलाया, बहुत मुश्किल से वो भी, तो उसको थोड़ा सा ठीक बेटर फील हुआ। फिर बस में जैसे चले गए घर, और घर पहुँच के क्या हुआ, थोड़ी देर जैसे उसको वहाँ भी पानी पिलाया, उसके बाद उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी, तो वो बस ऐसे सुस्त पड़ गया था बहुत और चिड़चिड़ा सा हो गया था, मतलब कहीं भी बोल रहा था बस मैं सो जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो फिर उसको थोड़ा सा अनार खिलाया मैंने, उसको थोड़ी सी ताकत तो आएगी और तब करके ये ठीक होगा, अगर ताकत नहीं आएगी तो फिर कैसे। मैंने कहा ये वॉमिट, मतलब उसको होता है हर बार ये उल्टी जब आती है, तो मैंने नोटिस किया तो वो ऐसा ही हो जाता है उसको कि वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, सबके साथ ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर अनार वगैरह उसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती खिला दिया अनार, फिर उसके बाद उसको वॉमिट हो गई। जब मैं उसको पानी पिलाने लगी दोबारा तो फिर उसको वॉमिट हो गई, तो वॉमिट होने के बाद फिर वो एकदम से पसीना पसीना हो गया, पूरा उसको पसीना हो गया। और उसके बाद बोलता, मैंने उसको सुला दिया, फिर मैंने कहा सो जाएगा रेस्ट करेगा तो फिर उसके बाद हो जाता है कि ठीक भी हो जाती है इसकी तबीयत, तो फिर सो गया। और मुझे ऐसा लगा कि इसको फीवर था, लेकिन फीवर की दवाई मैं लेके नहीं गई थी, फीवर की दवाई यहाँ पर रह गई थी। और बाकी थर्मामीटर भी नहीं था वहाँ पे क्योंकि नए घर में अभी हम शिफ्ट हुए हैं, तो फिर मैं नहीं मतलब उसका बुखार भी मैं चेक नहीं कर पाई।
उसके बाद फिर वो सो गया। फिर लग रहा था कि हल्का बुखार है इसको, ज़्यादा नहीं है, और सो ही वो उसको लगभग आधा या 1 घंटे के आसपास हुआ था। तो बाहर जैसे मेरे दादी सास वगैरह भी बैठे हुए थे, तो हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे, और लाइट भी जली हुई थी उस रूम की। तो एकदम से जैसे नींद में ना वो एकदम से उठा, उसने ऐसे देखा इधर उधर, मतलब ऐसा लगा कि एकदम से, वो होता है ना कि नींद में एकदम से हमारी नींद जब खुलती है, सपना आ रहा हो या कुछ हो तो हमें लगता है हम कहाँ हैं, उसी टाइम में वो उठा। उसके बाद वो बस उसी तरह से उसकी आंखें ऊपर हो गई और होंठ वगैरह उसके नीले पड़ गए। उसको कुछ, मतलब मैं वो सिचुएशन आपके सामने बयान नहीं कर सकती। उस टाइम मतलब ऐसा हो गया था कि बस किसी तरह से, मतलब अपने में हिम्मत जुटाई, मेरे साथ मम्मी जी और पिताजी भी थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि वो भी डर गए थे, बहुत डर गए थे। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैं फिर भी अपने अंदर हिम्मत जुटा लेती हूँ, और मैंने उसको साइड को लटाया से पकड़ा, उसका शरीर एकदम से हार्ड पड़ गया था, और फिर उसको बाहर लेके गई, क्योंकि उससे पहले भी उसको 2 बार ऐसा हो चुका है, और ये उसको ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। जब 2 साल का था शिवा उस टाइम उसको ऐसा हुआ था, जब उसके नाना एक्सपायर हुए थे, उससे 3 4 दिन के बाद उसको ऐसा हुआ था, और उसके बाद 10 महीने के बाद उसको फिर से वैसा हुआ था। तो उस टाइम वाली कंडीशन ऐसी थी कि आज भी वो मेरे सामने आती है तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। जब फर्स्ट टाइम उसको ऐसा हुआ था, सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम उसको ऐसा हुआ है 3 साल के बाद। तो फिर मैं उसको बाहर ले गई और बस मैं महामृत्युंजय मंत्र बोलती रही, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने ही दिया है। बहुत सारी कंडीशन ऐसी थी कि जब वो पेट में था तो दूसरा बच्चा, जैसे ट्विंस बेबी थे जिनको नहीं बताया, तो मेरे ट्विंस थे जब शिवा से मैं प्रेग्नेंट थी, तो एक बच्चा मेरा जब 5th मंथ से मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मेरे पेट में एक्सपायर हो गया था एक बच्चा, और फिर वो वैसे ही 9 महीने मेरे पेट में रहा है, और फिर 9 महीने के बाद सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी हुई है। फिर उस टाइम उसको भी निकाला था, तो उस टाइम शिवा को भी निकाला था, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मेरी उस टाइम डिलीवरी में रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता इस वजह से है या कुछ भी है, मतलब वो तो कोरिलेट करने वाली बात हो गई, लेकिन जो दवाइयाँ मैंने उस टाइम खाई है उनके भी साइड इफेक्ट तो होंगे बच्चे पे, अब पता नहीं है या नहीं है, मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ें डॉक्टर ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बस उसके बाद मतलब लगभग 1 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा वो होश आया, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ वो, उसके बाद वो फिर से हो सो गया। पसीना पसीना, एकदम से पसीना पसीना हो गया था, बिल्कुल नीला पड़ गया था वो, और उस टाइम भी मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं अब फिर से मैंने खो दिया या, मतलब इस टाइप में मेरे आ रहा था। और अब उसके बाद मेरा बिल्कुल मूड नहीं, उस टाइम उस दिन रात में बिल्कुल भी नहीं सोई, मेरा दिमाग एकदम से सुन्न हो गया था कि बस मतलब पता नहीं क्या होगा, बस मेरा दिमाग, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती आपके सामने वो सिचुएशन क्या थी और उस टाइम मेरी क्या था। पूरी रात भर मैंने उसको अपने सीने से लगा के रखा कि वो पता नहीं उसको कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और फिर रात को उसको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया था, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था 103 के आसपास उसको फीवर है। तो फिर मैंने पट्टियाँ वगैरह उसके सिर पर रखी, और उसके बाद अगले दिन सुबह मैं उसको मंडी ले गई थी, तो मंडी में फिर डॉक्टर के पास उसको फिर से चेक करवाया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि एक बार इसका MRI करवा लो आप, क्योंकि ऐसा बुखार की वजह से हो सकता है, या हो सकता है इसका शुगर लेवल डाउन चला गया हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी उसको हुआ है तो दो उससे पहले जब 2 टाइम बार उसको हुआ है तो उस टाइम भी सेम कंडीशन थी, उसको वॉमिट हुई थी, और उसके साथ उसको लूज मोशन भी थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, बस 3 4 उसको वॉमिट हुई थी और उसके बाद उसको लूज मोशन हुए थे। और फिर जब वहाँ पे उसका फीवर चेक किया, फिर मुझे दिन को लग रहा था कि इसको फीवर नहीं है, लेकिन जहाँ पे वो वहाँ पे उसका फीवर चेक किया तो 100.4 उसका फीवर था वहाँ पे भी। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसको फीवर की वजह से ऐसा हुआ है, और मैंने बोला कि डॉक्टर इसको फीवर इतना ज़्यादा नहीं था, लगभग 100 के पास हो जाएगा, तो डॉक्टर ने बोला कि ये 99 पे भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इसको 103 फीवर भी हो जाता है तब भी इसको ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार कम फीवर पे भी ऐसा हो जाता है बच्चों के, क्योंकि इम्यूनिटी पावर पे भी मैटर करता है, बाकी पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे लगता है ये डरता बहुत ज़्यादा है, जब उस दिन हम ऊपर गए थे ना दशहरा के दिन, तो पटाखे से ये इतना ज़्यादा डर रहा था, पटाखे मतलब उस टाइम तो मैंने वहां से इसीलिए इसको यहाँ पे ले आई थी कि मुझे ये डर था कि कहीं बेहोश ना हो जाइए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले आई थी, लेकिन यहाँ पे भी आवाजें पूरी सुनाई दे रही थी पटाखों की, तो फिर ये डर रहा था, इसके मन में बहुत डर है। और बाकी अगर तेज आवाज होती है कहीं, जैसे साउंड होता है, अगर मैं इसके साथ हूं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हर सिचुएशन का सामना करवाऊँ ताकि स्ट्रांग बने अंदर से।
तो जैसे अगर मैं इसके साथ होती तो फिर शायद वैसा नहीं होता, क्योंकि स्कूल से जब आया था तो बस ये रो ही रहा था रो ही रहा था। मुझे लगता है क्योंकि इनका प्रोग्राम था, डांडिया डांस वगैरह था, तो ये डर गया था, इसके मन में शायद डर हो गया था वहाँ पे जैसे गाने बज रहे थे, तो इस वजह से। अभी तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि कल मैं फिर से इसको मंडी लेके गई थी। अब डॉक्टर ने बोला है एक बार कि MRI आप जरूर करवा लो उसका, हो सकता है इसको इंटरनल प्रॉब्लम ना हो कुछ, तो अगर इंटरनल प्रॉब्लम कुछ होगी तो उसका फिर टाइमली इलाज हो जाता है। और फिर पहले तो लग रहा था, क्योंकि दूसरी बार जब इसको हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि आप MRI करवा लो, तब हमने नहीं करवाया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने छोटे बच्चे का हम MRI करवाएं। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है ना, अब ऐसा हो गया है कि मन, फिर डॉक्टर को पूछा कि उसमें रेडिएशन होती है, तो डॉक्टर ने बोला MRI में कोई रेडिएशन नहीं होती, और बाकी उसका जो तेज साउंड होता है तो उसके लिए बच्चे को नींद की सुलाया जाता है, नींद की दवाई दी जाती है, तो उसके बाद ही उसका MRI होता है। तो अब देखते हैं, अब करवाना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती अब दोबारा ऐसी कंडीशन सामने आए। बाकी मतलब अभी मन में सिर्फ ऐसा ही आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी अपनी किस्मत है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना भगवान कुछ कर सकता है, ना कुछ और कोई कुछ कर सकता है। जो भी कंडीशन है, जो भी हमारे साथ हुआ है, वो अपनी किस्मत है, बाकी अपने कर्म है, जैसे भी हमने कमाए होंगे। तो चलिए, इसी के साथ ही मैं ब्लॉग को यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। अभी तो शिवा ठीक है, बाकी कल उसको मैं लेके गई थी मंडी, तो कल डॉक्टर ने बोला कि अभी ठीक है, MRI आप चाहे तो जब मर्जी करवा लीजिए, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। अभी वो ठीक है, बिल्कुल एक्टिव एक्टिव भी काफी है, लेकिन फिर भी मेरे मन में वही डर बैठ गया है। मतलब 4-5 दिन तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि बिल्कुल भी, मतलब मैं जाहिर नहीं करती, लेकिन जब मतलब लेट जाती हूँ ना तो फिर नींद नहीं आती, फिर ऐसा सोचती रहती हूँ, वही बातें मेरी बार बार दिमाग में घूमी रहती है। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था कि जब मेरे पापा को एक्सपायर हुए, 3-4 दिन हुए थे, मैं उस टाइम वहां से आ गई थी, जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे वहां पे उस टाइम ही शिवा भी था। तो ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, प्लीज कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि वो एकदम से ही अचानक वो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी, अचानक से मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, और उस टाइम शिवा मेरी गोद में था। जैसे मेरे पापा बाहर कुर्सी पे बैठे थे तो बाहर से उनको अंदर लाए उठा के ऐसे, और मैं उसको सुला रही थी शिवा को, तो वो एकदम से मेरे से छूट गया था, सो गया था वो, फिर से उठ गया वो, और मैंने उसको गोदी में पकड़ लिया एकदम से। जैसे मैंने देखा कि मेरे पापा को आगे से पीछे से पकड़ के ला रहे हैं, आगे मेरा भाई था शायद और पीछे मेरे चाचू थे, तो वो अंदर ला रहे थे, बीच वाला कमरा जो था वहां पे, तो मैं एकदम से सुन्न पड़ गई थी, और वहां से मेरे से छूट गया था शिवा, और वहां पे मैं एकदम से अपने पापा के पास चली गई थी, और वो शिवा रोता रहा, मुझे कुछ होश नहीं रही उस टाइम, आप समझ सकते हो, मतलब बेहोशी वाली हो गई थी, और मैं वहां पे सोच रही थी कि किसी तरह से मेरे पापा बच जाते बस। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि डर भी जाता है बच्चा, या बहुत कुछ होता है, क्योंकि उस टाइम वो सामने ही था शिवा, और उसने सामने ही देखा था सब कुछ, और मेरे पापा मेरे सामने सामने एक्सपायर हुए हैं। मैंने उस टाइम उनके छाती पे हाथ रखा था कि मतलब उस टाइम भी मैं महामृत्यु जाप कर रही थी, महामृत्यु मंत्र का। तो बस फिर उसके बाद वो, और उसके बाद वो थोड़ा रोता रहा क्योंकि वो किसी के पास रहता नहीं था, फिर बस वही ही रहा। उसके बाद मैं घर वापस आ गई थी, तो उसको वॉमिट वगैरह फिर से उसको वॉमिट वगैरह लग गई थी, और लूज मोशन भी हुए थे। जब चौथे दिन हम इसको चेकअप करवाने के लिए ले गए, तो उसको वहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अटैक टाइप बोल सकते हैं इसको, वहाँ पे एकदम से ही नीला पड़ गया था। जैसे गाड़ी भी अभी बैठे ही थे, अभी स्टार्ट ही की थी वहाँ से गाड़ी, जो आप देखते हो जगह जो पूरी के पास है, तो वहाँ पे इसको ऐसा हो गया था एकदम से। तो वहाँ पे भी मैंने इसको गोदी में उठाया, तो मैंने देखा मेरे बच्चे के होंठ बिल्कुल नीले पड़े हुए थे, और बिल्कुल उसकी आंखें ऐसे लग गई थी ऊपर। तो उस टाइम भी बस मैं वहाँ पे पागलों की तरह, उस टाइम तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि पागल हो गई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को 2 झटके साथ में लग गए, कि अब तो मैं गोदी फैला के वहां पे बैठ गई थी, और मतलब मैं ये कंडीशन बयान नहीं करना चाहती ना मैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ अब, मैं उन चीजों को याद नहीं करना चाहती, लेकिन ये मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी, लेकिन मुझे फिर से याद आ गई जब शिवा को फिर से ऐसा हुआ, तो फिर से मुझे याद आ गई। अब मैंने सोचा नहीं था कि उसको ऐसा होगा 3 साल के बाद भी, तो इसीलिए उसको आप बोलते हो ना कि गाड़ी में भी आप इसको साथ में रखते हो, बैठा के रखते हो, तो ये ही रीजन है। मैं चाहती हूँ इसका डर दूर होने में टाइम लगेगा, अभी धीरे धीरे ये एडजस्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे इसको सिचुएशन में समझने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए अब जब कल जब मैं इसको लेके गई ना, पिछले कल जब मंडी लेके गई थी इसको, तो मैंने इसको ऑटो में, अब ऐसा हो रहा है कि ये साइड में बैठ रहा है, ऐसे ये बैठता नहीं था,
तो आप सोच सकते हो कि 5 साल का बच्चा ये साइड में ही नहीं बैठता है, डरता है बहुत। तो अभी ऑटो में साइड में बैठने लगा, फिर मैंने कल इसको बस में भी साइड में बिठाया थोड़ी देर, हालांकि मैंने इसको लगभग ये 15-20 मिनट बैठा होगा, लेकिन बैठा ये साइड में। तो मुझे खुशी हुई कि नहीं, इसका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बस यही था और यही वजह थी। आप सब इतना प्यार कर रहे हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने ना यूट्यूब देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने फोन ही नहीं चलाया इतने दिनों से। तो कल हालांकि मेरे ब्लॉग बने हुए थे, मैंने होम रेमेडी बनाई हुई थी, लेकिन मैं नहीं डाल पाई, बस यही वजह थी नहीं डालने की। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं रेगुलर हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम हो रहा है, मतलब तो मैनेज कर रही हूँ उस हिसाब से। अभी देखो टाइम मैं बताऊँ आपको तो 12 बज चुके हैं, अभी मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं धोने को, तो मैंने अभी लंच वगैरह भी नहीं किया हुआ है, चपाती वगैरह बनाऊंगी, बाकी सब्जी मैंने सुबह की बना दी है, और बाकी झाड़ू मॉपिंग वगैरह हुआ है, क्योंकि इतने दिनों से मेरी क्लीनिंग नहीं हुई थी यहाँ पे। तीसरा दिन है मुझे यहाँ पे आया हुआ है, तो रोज का बस ऐसे ही है आना जाना। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। अब नेक्स्ट टाइम जब हम MRI करवाएंगे तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी कि आप क्या आया, क्योंकि आप सब भी मतलब इतने कमेंट कर रहे हो ना कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो। तो कभी कभी मतलब ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब नहीं करता मन ब्लॉग बनाने का। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।